हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ईएनटी एंड राइनोप्लास्टी सर्जन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल एंड नक्स राइनोप्लास्टी सेंटर। फ्रेंड्स, आई वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू इन नोज केयर अवेयरनेस प्रोग्राम माय नोज माय लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम जिससे कभी ना कभी आप या आपकी फैमिली में कोई पीड़ित है, वो है नेजल एलर्जी और एलर्जिक राइनाइटिस। सो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे क्या है नेजल एलर्जी, क्या इसके कॉजेज हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है, और अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हो तो क्या अपने शरीर पे इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं और कैसे इसे बचा जा सकता है। एलर्जिक राइनाइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ द नोज इनसाइड, यानी नोज का जो इनसाइड जो म्यूकोजा है उसका इन्फ्लामेशन है। दैट इज ए ओवर रिएक्शन ऑफ आवर इम्यून सिस्टम फॉर द allergens that present in the airborne or the food, जो अपनी air में और अपने food में जो allergens होते हैं उनके against में उसका जो over reaction होता है अपने body का immune system का, जिसके कारण nose के अंदर जो inflammation होता है that is allergic rhinitis, जिसको allergic rhinitis बोलते हैं। So allergic rhinitis दो type में अपन divide कर सकते हैं। First, एक पेशेंट जो थ्रू आउट पूरे साल भर एलर्जी के कारण अफेक्ट रहता है, एलर्जी के से पीड़ित रहता है, दैट इज पेरिनियल एलर्जी राइनाइटिस। एंड सेकंड, एक पेशेंट जो एक पार्टिकुलर टाइम में एक्सपोज होता है, जैसे किसी को विंटर में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को समर में प्रॉब्लम होती है, दैट इज द सीजनल एलर्जी राइनाइटिस। सो फ्रेंड्स, एलर्जी राइनाइटिस को वी कैन डिवाइड इन द टू वे। Now, the second important thing कि what is causes of allergic rhinitis, क्या कारण है allergic rhinitis के? So, friends, allergic rhinitis को अगर genetic predisposition में देखा जाए, so अगर किसी parents में, अगर husband और wife में एक जन को अगर allergy है, तो उसके जो बच्चे हैं, उनमें 20% chances होते हैं allergy होने। एंड सेकेंड, अगर दोनों में, अगर हस्बैंड वाइफ बोथ पेरेंट्स सफर फ्रॉम एलर्जी राइनाइटिस, तो उसके बच्चों में 47% चांसेस होते हैं एलर्जी राइनाइटिस होने के। क्यों होता है ये? बिकॉज जो एलर्जेंस होता है, जो अपनी बॉडी के अंदर जो एलर्जेंस जाए एयरबोन या नोज के थ्रू जो जाते हैं, उसके कारण क्या है, बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है प्रोटेक्शन के लिए, दैट इज द हिस्टामिन। So, ये जो हिस्टामिन है, that is responsible for allergic rhinitis। अब कौन से कॉमन एलर्जेंस हैं जिनके कारण हिस्टामिन निकलता है? ये जो कॉमन एलर्जेंस हैं, उनमें क्या है, मोस्ट कॉमन है हाउस डस्ट माइट। हाउस डस्ट माइट इज ए टाइनी इंसेक्ट, बहुत छोटा कीड़ा होता है, सूक्ष्म कीड़ा होता है, जो अपनी कारपेट्स हैं, जो अपने मैट्रेस हैं, जो अपने पिलोज हैं, जो बेड कवर्स हैं, उसमें पाया जाता है, जिसके कारण एक्सपोज होने के बाद के अंदर बहुत दिनों तक एलर्जिक राइनाइटिस से पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। एंड द सेकंड इम्पोर्टेंट, पोलन्स, जैसे पार्टिकुलरली सीजन में कुछ टाइप के पोलन्स होते हैं, उनसे पेशेंट को बहुत एलर्जी होती है। पोलन्स एंड स्पोर्स, जो बहुत सूक्ष्म स्पोर्स होते हैं, जो ग्रास है और जो ट्रीज हैं, उसके कारण भी एलर्जिक राइनाइटिस होती है। थर्ड, एनिमल्स, आज जो पेट रखने का जो शौक है, जो उस पेट के जो आपके जैसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, उनके जो फर होते हैं, उसके कारण भी एलर्जिक राइनाइटिस होती है। एंड द फोर्थ इम्पोर्टेंट कॉमन एलर्जेंस, वर्क रिलेटेड, एक पर्सन जो वर्क कर रहा है उसमें जो वुड डस्ट है, जो लकड़ी काटते हैं वहाँ वुड डस्ट होती है, जो आटा चक्की में काम करते हैं फ्लोर डस्ट है, एंड जो पेंट का वर्क करते हैं, देन पेंटर्स जो लोग हैं या जहाँ पेंटिंग का वर्क हो रहा है, तो दीज आर द कॉमन एलर्जेंस दैट प्रेजेंट एंड जिनके कारण क्या है एलर्जी राइनाइटिस कॉमन पाई जाती है। सो फ्रेंड्स, दीज आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ द एलर्जी राइनाइटिस। नाउ क्या सिम्टम्स है? नेक्स्ट इज व्हाट इज द साइन एंड सिम्टम्स, कैसे पहचाने कि मेरे को एलर्जिक राइनाइटिस है। सो फ्रेंड्स, जो कॉमन साइंस हैं, जो सिम्टम्स हैं एलर्जी की, वो है पेशेंट को रनिंग नोज, उसके नोज के अंदर सारे दिन भर पानी निकलता रहेगा, एंड वाटरिंग फ्रॉम आई, आंख में सारे दिन उसको पानी आता रहेगा, इच इन द नोज, सारे दिन पेशेंट नोज को यूं यूं करता रहेगा, इच इन द नोज, इच अराउंड द आईज, एंड पेशेंट को कंटिन्यूस स्नीजिंग होगी, वो सारे दिन भर छींकता रहेगा, एंड अल्टीमेटली द नोज इज ब्लॉक, ब्लॉकी नोज, स्टफी नोज, एंड
डिक्रीज सेंस ऑफ स्मेल, उसको खुशबू और बदबू का पता नहीं लगेगा. दैट इज द कॉमन सिम्टम्स. एंड देन अल्टीमेटली पेशेंट डेवलप साइनोसाइटिस. तो साइनोसाइटिस जो डेवलप उसको होता है, तो वो जो साइनस का पानी उसके गले में ट्रिकल करता है, जिससे सारे दिन भर वो जो है वो गले को क्लीन करता रहता है. इसको हॉकिंग बोलते हैं. लाइक यूं यूं पेशेंट करता रहता है कंटिन्यू, जिसको पोस्ट नेजल ड्रिप भी बोलते हैं. तो स्क्रैची थ्रोट हो जाता है पेशेंट. फ्रिक्वेंटली थ्रोट के लिए एंटीबायोटिक्स खाता रहता है, गार्गल्स करता रहता है. एंड अल्टीमेटली पेशेंट डेवलप द कॉफ. उसको सारे दिन भर बार बार खांसी आती रहती है. क्यों? क्योंकि वो जो एलर्जी राइनाइटिस के कारण जो साइनस में इन्फेक्शन हुआ, साइनस का इन्फेक्शन जो है गले में पोस्ट नेजल ड्रिप करके पानी का डिप हुआ, और वो उसको क्लीन करने के लिए सारे दिन कॉफ लेता रहता है, खांसी करता रहता है, बार बार खांसी की दवाई खाता रहता है. सो दीज आर द सिम्टम्स. एंड वन यू नो कॉमन सिम्टम दैट इज हेडेक. जब ये सारी चीजें पेशेंट को होती हैं, तो वो रिकरेंट उसको या फ्रंटल हेडेक, सारे दिन भर उसको हेडेक रहता है. सो फ्रेंड्स, दीज आर द सिम्टम्स जो उस पेशेंट को खुद को पता लगता है. कुछ साइन होते हैं. साइन मतलब अगर आप एलर्जी राइनाइटिस से पीड़ित हो, तो जो दूसरों को भी जो दिख रहे हैं कि उसको जो पेशेंट है उसका सारे दिन भर वो आईज को यूं यूं करता रहता है, तो उसके यहाँ डार्क सर्किल्स बन जाते हैं. दैट इज द साइन ऑफ एलर्जी राइनाइटिस. नोज को पेशेंट सारे दिन भर यूं यूं करता रहता है, तो उसके नोज पे यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है. और पेशेंट सारे दिन भर नोज क्लीन करता है, तो उसका नोज का जो टिप है वो अमोर्फस हो जाता है, बोगी हो जाता है, फूल जाता है. तो दीज आर द साइन ऑफ द एलर्जी राइनाइटिस. सो दूसरे पेशेंट को, जो पेशेंट के अलावा दूसरे आदमी को भी दिखते हैं कि ये एलर्जी राइनाइटिस से पीड़ित होगा. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हाउ वी डायग्नोस द प्रॉब्लम. सो फॉर डायग्नोसिस बाय हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट एंड सम ब्लड टेस्ट इज है, देन सम स्किन प्रिक टेस्ट है. सो these different type of the test by which we can diagnose the problem ko diagnosis kiya ja sakta hai. After the diagnosis, the treatment of allergic rhinitis, kya treatment hai. So for the treatment of allergic rhinitis, first treatment, you avoid the exposure of allergens, yani jis cheez se aapko allergy hoti hai usse uska bachao. Second, सम मेडिकेशन, सम एंटीबायोटिक्स हैं, सम स्टीरोइड्स हैं, सम नेजल ड्रॉप्स हैं, एंड जस्ट टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन इन साइड ऑफ द नोज. और अगर पेशेंट को नेजल ब्लॉकेज हो गया, साइनोसाइटिस हो गई और उसमें पॉलिप्स बढ़ गए एलर्जी के कारण, तो उसका सर्जिकली उसका मैनेजमेंट होता है. एंड एक जो रिसेंट जो एडवांस इसका जो ट्रीटमेंट है, दैट इज द इम्यूनोथेरेपी. इम्यूनोथेरेपी में जो पार्टिकुलरली जो उसका एलर्जेंस है, उस एलर्जेंस की वैक्सीन बना के पेशेंट को दी जाती है, जिससे उसके ब्लड में उसकी एंटीबॉडी हो और उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो. सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस. अगर पेशेंट एलर्जिक राइनाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं. फर्स्ट, नेजल ब्लॉकेज. और नेजल ब्लॉकेज डेवलप होने के कारण कॉन्सिक्वेंटली जो पेशेंट की स्वेलिंग होती है नोज में, उसकी नेजल ब्लॉकेज के कारण पेशेंट को डिफिकल्टी इन द स्लीपिंग, उसको डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग, उसको ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम होगी, उसको स्लीपिंग में प्रॉब्लम होगी, उसकी स्लीप साइकिल रात को पूरा नहीं होगा. एंड पेशेंट डेवलप द स्नोरिंग, पेशेंट को खर्राटे आएंगे. एंड पेशेंट डेवलप द साइनोसाइटिस, उसके साइनस में प्रॉब्लम होके नाक में ट्रिकल होता है. एंड द पेशेंट डेवलप द नोज पॉलिप, नेजल मास. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स जब पेशेंट आपको उसको ट्रीट नहीं कराता है. अनदर इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इज द कॉस्मेटिक कॉम्प्लिकेशन. पेशेंट को यहाँ पे डार्क सर्किल्स होने से उसको क्या मेलेज्मा जहियाँ हो जाती हैं, टिप जो है नोज का वो बड़ा हो जाता है, यहाँ पे क्या निशान बन जाता है. एंड पेशेंट का जो फेस है, पेशेंट को उसको अच्छा नहीं लगता. दैट इज द कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ड्यू टू द एलर्जी. एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द पेशेंट. पेशेंट को क्या है ऑफिस में क्या है डे टाइम, क्योंकि उसकी रात को उसकी स्लीप साइकिल पूरी नहीं होती, तो दिन भर उसको ऑफिस में भी उसको क्या है स्लीपनेस रहेगी, वो उसका मन करेगा कि मैं सोता रहूँ. सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड पेशेंट इन एलर्जिक राइनाइटिस. सो फ्रेंड्स, इन लास्ट, हाउ कैन वी प्रिवेंट प्रिवेंशन ऑफ एलर्जी राइनाइटिस. यू नो प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर. अगर आप प्रिवेंट करते हो, सो फॉर प्रिवेंशन द फर्स्ट, यू जस्ट वॉश एंड कवर. जितनी भी जो आपके पिलोज हैं, जो मैट्रेस हैं, जो कारपेट हैं, उनको कवर करना चाहिए और उनको वॉश करके रखना चाहिए, जिससे हाउस मोल्ड्स कम से कम डेवलप हो. सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपके पास पेट है,
So you keep in a outside in a particular room, and उसको एक particular room में ही outside रखना चाहिए. And I think better you not allow in your bedrooms. आप उसको bedrooms में allow नहीं करना चाहिए, जिससे उसके ऊपर और वो जो है आपको कम से कम जो है उसको avoid करें. Third prevention, when you expose the pollen, यानी जहाँ पे pollens का जो time है और आपको ये पता है कि इससे मेरे को maximum problem है, so you can avoid the exposure of the pollen. And the last for the preventions, your house is clean and the ventilated and dry. जहाँ पे humidity होती है वहाँ पे क्या fungus develop होती है. And अगर house आपका dry है and ventilated है तो ultimately allergic rhinitis के chances कम. So friends, thank you for watching this video, and for create awareness in society, you share this video and you like this video. Thanks a lot, friends.